बहुत है, इसलिए जो है सो सिवासी नहा लेती हूँ। लेकिन नहाने के बाद तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी मुझे। अभी मैं बाहर झाड़ूंगी नहीं क्योंकि ये सूखे हुए नहीं हैं, तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगा। तो अभी मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा लीम ऑयल लगा दूंगी क्योंकि वो लगाने के बाद ज़्यादा उलझते नहीं हैं। तो हल्का फुल्का मैंने इसको ऊपर से झाड़ लिया है क्योंकि वो सिंदूर लगाते समय थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। और देखिए ये मैं लीव ऑन लगा रही हूँ और उसको लगा के थोड़ा सा छोड़ दूंगी थोड़ी देर, और फिर ये सूख जाएगा, उसके बाद ही मैं इसको झाड़ूंगी। नहीं तो थोड़े दुखते हैं तो मैं इसको बाद में ही झाड़ूंगी, भीगे हुए हैं अच्छी तरह से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ चेतना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ और अभी मैं तैयार हो गई हूँ। अब मुझे जाना है किचन में और सबसे पहले चाय बनाना है। बच्चों को दूध मैं दे चुकी हूँ, बच्चे उठ चुके हैं और अभी मुझे ये कपड़े सारे फोल्ड करने हैं। थोड़े से कपड़े मैंने फोल्ड कर चुकी हूँ और थोड़े से कपड़े बाकी है। पिलो सबका कवर मैंने कल धोई थी तो सबको फिर लगाना भी है, सब वैसे ही पीलो पड़े हुए हैं, कल टाइम नहीं मिला लगाने के लिए। तो चलिए पहले ये सब काम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद जो है सभी चाय बनाती हूँ और फिर किचन में जाती हूँ। पहले ब्रेकफास्ट की कुछ तैयारियाँ होगी फिर खाने की। तो आइए पहले कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। आप सुन सकते हैं जब भी मैं बॉडी मैसेज करती हूँ या वॉइस वाला कुछ करती हूँ तो ये कचरे वाले की आवाज़ हमेशा आप लोगों को सुनाई पड़ती होगी। वो इसी टाइम आता है मॉर्निंग में ही जब मेरे सारे काम खत्म हो जाते हैं, तभी ये 7-8 के बीच में आता है और ये देख सकते हैं उसकी आवाज़ कितनी आ रही है। तो यहाँ पे जो है सो मैं अब सारे कपड़ों को फोल्ड करने लगी हूँ, लेकिन टाइम मॉर्निंग का है तो ये सारे कपड़े ठीक से फोल्ड नहीं हो रहे थे। तो मैं अपना कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ ठीक से, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहे थे, हर जल्दबाजी में सब उल्टे पुल्टे हो रहे थे। तो मैंने सारे कपड़े बस छाँट लिए हैं, अपने कपड़े बच्चों के कपड़े अलग अलग सबको मैंने छाँट के रख दिया है, ताकि फिर जब टाइम मिल जाएगा जब मैं किचन के कामों से फ्री हो जाऊंगी तब मैं इन सबको अलग अलग करके फिर से फोल्ड कर दूंगी और फोल्ड करके रख दूंगी। क्योंकि अगर आप फोल्ड करके नहीं रखेंगे तो सारे कपड़े इधर से उधर पड़े रहते हैं और फिर दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो मुझे इन्हें फोल्ड करना ही पड़ेगा। पर फिलहाल मैं इन सबको छांट रही हूँ, बच्चों के कपड़े और मैं अपने कपड़े अलग कर रही हूँ। कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं डेली के डेली, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं अगर किसी दिन ना धो तो बहुत बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और अभी बारिश का मौसम हमेशा लगा रहता है जिसके कारण कि मुझे इतनी परेशानी होती है बच्चों के कपड़े सुखाने में। उनको हमेशा 2-3 टाइम जो है सो कभी बाहर तो कभी फिर अंदर बालकनी में रखना पड़ता है, तो इसलिए कभी कभी कपड़ों का ढेर लग जाता है। और उसी में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है तो कुछ को मैंने फोल्ड कर लिया था रात में ही, लेकिन ये सबको मैं रख चुकी थी तो अभी फिर हो नहीं रहा है क्योंकि बाबू भी इधर से उधर रो रहा है और सबको अभी अब चाय चाहिए, कुछ ना कुछ नाश्ते चाहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ, सारे कपड़ों को सिर्फ मैं छांट के रख रही हूँ, अलग अलग करके रख देती हूँ टेबल पे, तब फिर बाद में करूँगी मैं सब। और बाबू का कपड़ा भी मैं सबको छांट दी हूँ एक जगह क्योंकि उसे अपने ये इसका टॉवल है वो अभी नहाया भी नहीं है तो नहाएगा धोएगा, सारा कपड़ा है उसका तो मैं एक जगह रख दी हूँ। और ये मैं बोल रही हूँ बाबू को कि काम करो पापा का कपड़ा दे के आओ, लेकिन वो अभी मेरे पीछे ही घूम रहा है, वो जा नहीं रहा है आप देख सकते हैं। और ये सारे कपड़े उसके हैं जो कि मैं इस डलिया में रखती हूँ जो सबको नज़र आते रहते हैं, तो अगर मुझे किसी उसके कपड़े की ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी इसे यहाँ से ले आता है। और ये देखिए बाबू शायद प्रसाद खाने के लिए प्लेट उठा रहा है और मैं उसके कपड़े उसके डली में रख रही हूँ, कुछ से कुछ बोल रही हूँ, फटाफट हड़बड़ी में जो है सुई में काम कर रही हूँ। ये देखिए सारे बेड के चादर सब भी वैसे ही पड़े थे तो इसलिए मैं फटाफट उसे भी लगे हाथ कर रही हूँ क्योंकि ज़रूरी है इन सबको भी हटाना। अभी अब बच्चे पढ़ाई करेंगे, जिसको जहाँ मन होगा पिलो कवर भी मुझे डालना था तो पिलो कवर भी मैं सिर्फ अभी 2 ही पिलो में डाली हूँ जो कि इसमें मैं है और अभी और डालने हैं मुझे। बाहर से आवाज़ बहुत आ रही है और खिड़की जो है सो वो खुली हुई है, फिर भी पर्दे मैंने लगा दिए हैं। यहाँ बोल रही है बड़ी वाली बेटी कि मुझे पढ़ना है तो मैंने बेड ठीक कर दिया है, अब यहाँ पे पढ़ेगी बैठ के। ये कपड़े का कार्यक्रम खत्म हो चुका है, अब मैं किचन में जा रही हूँ और सबसे पहले अभी चाय बनाऊंगी क्योंकि चाय के बिना तो कोई काम नहीं होने वाला है।
तो सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी और फिर चाय पीऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं और उनके लिए भी चाय बनाना है, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनाना है ब्रेकफास्ट में। चलिए चल। अभी मैं एप्पल लाई हूँ और ये मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, तो सबको मुझे अभी एप्पल काट के देना है और मुझे खुद भी खाना है। मैं भी खा रही हूँ और बच्चों को दे देती हूँ एप्पल। चलिए लीजिए, आप पूरा खा लीजिए। नहीं हम खा लिए ना। वेलकम बैक। देखिए बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और मैं चाय पी रही हूँ। और आज मैंने बाल धोए हैं तो वो सूखे नहीं है, अभी सूख जाएंगे थोड़ी देर में। ये देखिए मेरा बाबू अभी नहीं गंगन किया, नहाया नहीं है, अब नहाएगा। हाय बोल दो बेटा, गुड मॉर्निंग बोलो। चलो बैठ जाओ, बोलो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। किचन में आ गई हूँ और किचन में मैंने सब्जी को काट लिया था, मैंने फटाफट सब्जी को काटा है। तो वो आलू परवल की सब्जी है, तो उसमें मैंने प्याज, टमाटर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाले डाल के मैंने आलू परवल की सब्जी बनाई है। तो वो मैं आपको नहीं दिखा, इतना प्याज मैंने बचा लिया है क्योंकि बच्चों को खाने में पसंद है। तो वो प्याज बहुत बड़ा था तो वही मैं दिखा रही थी कि इतने बड़े प्याज रहते हैं कि मैं उसे साथ साथ रख ली हूँ। और ये मेरा दाल बन चुका है, मैंने दाल और इसको अभी छौंकना बाकी है और ये आलू परवल की सब्जी भी बन गई है। तो मेरी सब्जी बन के तैयार है और मैं इसको निकाल रही हूँ क्योंकि ये काले वाले कड़वा ही मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो तभी मैं निकाल लेती हूँ ताकि ये काला ना हो। और ये देखिए बिल्कुल कैसा लग रहा है मेरी सब्जी। अब मैं जा रही हूँ, बाहर आ गई हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। कल होगा बर्थडे, आज नहीं होगा। आज तो तैयारी करने का भी देखिए। अच्छा, तैयारी करने का भी बनाना है वीडियो। ठीक है, तो हम तैयारी करने का वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक लंच टाइम तक ही रखेंगे और अभी से हम लोग तैयारी करेंगे। तो देखिए मेरा बाबू उठ गया है, उठ रहा है। ये देखिए अब हम सब खाना खाएंगे। तो मैं फ्रेश हो गई हूँ, मैं किचन से आई थी तो पूरा गर्मी लग रहा था, तो अभी मैं फेस धो के आई हूँ और अब थोड़ा ठीक लग रहा है। बहुत गर्मी है, अगस्त के महीने में भी इतनी गर्मी, अरे बाबा। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए मैं आप लोगों को अपने हेयर स्टाइल दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है। मैंने इसे आज न्यू हेयर स्टाइल दिया है, थोड़ा सा आगे से मोड़ के मैं पिन लगा के मैंने चोटी बनाई है, तो कैसा लग रहा है वो देखिए। और इसका मैं अभी सेल्फी ले रही हूँ, मेरी बेटी का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, पीछे आप देख रहे होंगे। अब हम सब का खाना पीना हो चुका है, मेरी बेटी का क्लास खत्म हो गया तो हम लोगों ने खाना खा लिया है, लंच टाइम हो गया। और मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना था तो वो चले गए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे मस्ती कर रहे हैं। बच्चे यहाँ आपस में खेल रहे हैं और ये बाल बांधने के लिए आ गई है, बड़ी बेटी बहन यहाँ आ गई है भाई के बाल बांधने के लिए। लेकिन देखिए बाल नहीं बांधना है, वो बाल रखने वालों को हटा रहा है।
तो बच्चे खेलते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं और शांत रहते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। फजर में लड़ाई करने लगते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं, ठीक ठीक लग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बाबू की चोटी बना रही है लेकिन वो रो रहा है, उसे सबसे परेशानी इसी में लगता है चोटी बनाने में। तो ये देख सकते हैं आप, वो कितने धीरे धीरे से बांध रही है और वो फिर भी जो है चिल्लाने की कोशिश में लगा है, हंसा हंसा। बच्चों के मस्ती के साथ ही मैं ये ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ आज का। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बाय।